नमस्कार दोस्तों, परचेज एंट्री में बहुत कुछ मायने रखता है दोस्तों। कल मैंने इसको एक वीडियो डाला था, उसका यानी नीचे बहुत सारे लोग उसका सवाल पूछा है। सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों, यानी उसमें एक्सपायरी डेट हमने बारकोड में किस तरीके से प्रिंट कर सकता है। सबसे पहले मैंने वो दिखा देता हूँ आपको। और जब सेल करने के टाइम एक्सपायरी डेट यानी अलग अलग एक्सपायरी डेटों को सब कुछ दिखना चाहिए, यह दूसरा सवाल था। ये दोनों का आंसर अब आज देता हूँ दोस्तों। आपने थोड़ा सा देखिए, यानी ये जो प्रिंटर अपने पास रखा हुआ है बारकोड के लिए, हमने बारकोड प्रिंट करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा हुआ है, जगह कम पड़ा इसलिए करके, ठीक है जी। तो ये मैंने जो आइटम है कल इसको परचेस किया था एक बार विदाउट एक्सपायरी डेट डाल के, यानी अभी हमने एक्सपायरी डेट डाल करके परचेस एंट्री करते हैं। चलिए आपने सीधा चला जाइए दोस्तों अपना जो परचेस एंट्री में, या देखिए ये देखिए, या F2 दबाइए अपने कीबोर्ड में, और आपका जो भी यानी सप्लायर को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, और मैंने बार कोड इधर टिक कर दिया और इसको सीधा स्कैन कर दिया दोस्तों। स्कैन करने के बाद आपको सीधा देखिए, इसको जो भी प्राइस वगैरह चेंज करना है तो आपका प्राइस चेंज वगैरह जो भी है कर सकता है। मैंने इधर मोर इन्फॉर्मेशन टिक करके इसको जो थोड़ा सा एक्सपायरी डेट डाल रहा हूँ, अभी 30 तारीख को डालता हूँ, जून 30 तारीख को इसकी एक्सपायरी है, ठीक है जी, जून 30 तारीख को इसको एक्सपायरी है। और इसका यानी रिटेल प्राइस वगैरह जो भी आपको चेंज करना है आपको इधर से चेंज कर सकता है। देखिए इधर से यानी 38 की जगह पे मैंने यानी 39 कर दिया एग्जांपल, ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है वो भी डाल दीजिए, कोई बात नहीं, यानी आज का दिन में मैन्युफैक्चरिंग डालो, 1 तारीख को, आज 1 तारीख है ना, यानी आज का दिन में मैन्युफैक्चरिंग, ये महीने एंड में इसका एक्सपायरी है। तो दोनों बारकोड में प्रिंट होकर आना है। तो हमने क्या करेंगे, कितने प्रोडक्ट भी एक साथ ऐड कर सकते हैं आपने, मैंने ये प्लस बटन क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर दिया, और इसको सीधा सेव कर दीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए इसको सेव बटन जो दिया हुआ है, इसको सेव करने के लिए सेव, सबसे यानी वेरी ईजीएस्ट वे में आपको सेव कर सकता है। बिल्कुल ऊपर जाइए, आपने देखो इधर जनरेट बार कोड बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, जनरेट बार कोड। तो ये जो डोव सोप आपको इधर दिखाई देती है, इसको देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ इधर भी आ जाती है ना। तो मैंने इधर से जो भी आपको टेम्पलेट जो भी यानी पसंद आया उसको सेलेक्ट कर दीजिए, कौन सा ये वाला देखिए, इसको मैंने रेंडम रिव्यू करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सब कुछ आती है। मैंने इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए आपको प्रिंट, ये अपना जो बारकोड प्रिंटर है इसको प्रिंट कर दीजिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको जितना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दी, इधर भी आपको क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे कर सकता है। मैंने प्रिंटर सेटिंग के अंदर क्वांटिटी चेंज किया था, एकदम ब्यूटीफुल शाइन नंबर 1 प्रिंट आ जाएगी आपको। मैंने इसको निकाल के कट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये आपका कंपनी का नाम सबसे ऊपर आया, कि मैंने कंपनी के नेम पे रेंटेक सॉफ्टवेयर करके डाला हुआ है, इसलिए करके वो आया हुआ है। डोव सबून करके लिखा था, MRP 40 रुपया, सेल प्राइस 39 है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/6 और ये है। आप थोड़ा सा ध्यान से और देखिए दोस्तों, ये पहले बार जो आया था आज का दिन में परचेस किया, हमने साइड में रखा, और दूसरा और एक परचेस कर रहा हूँ, न्यू क्लिक कर दिया मैंने, अभी मैंने दोबारा कोई सप्लायर को इधर ऐड कर दीजिए, दूसरा बारकोड, इसका एक्सपायरी डेट डिफरेंट है, देखिएगा। मैंने बारकोड पर ये दूसरा जो है उसको रखे, स्कैन कर रहा हूँ दोस्तों, तो आ गया ना। तो इसमें मैंने एक चीज़ चेंज कर दे रहा हूँ, इसका एक्सपायरी डेट, इसके एक्सपायरी डेट हमने पहले का जून 30 तारीख को डाला था ना, अभी हमने दूसरा महीने को डालते हैं, जुलाई यानी करीब 14 तारीख को डालते हैं, ठीक है, बस इतना ही चेंज किया मैंने। सबून दूसरा स्ट्रोक मैंने ए जो यानी उसमें जो डेट हुई था समझ लीजिए, और इसको हमने सीधा सीधा सेव कर दे रहा दोस्तों। इसको भी चाहिए तो आपको सीधा सीधा देखो इधर ही बार कोड पर जा सकता है, उसका जो बार कोड का आपको यानी प्रीव्यू देख सकता है, देखो ये आपको 14/7 तारीख को यानी 7वें महीने को, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये एक्सपायरी, आपको चाहिए तो प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है। तो मैंने प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट करना है तो प्रिंट करके इस पर चिपका सकता है आपको, और मैंने इसको सेल करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा मैंने परचेस एंट्री दोनों कर दिया, ठीक है। तो सेल एंट्री में जाती है तो हमने POS एनेबल कर दिया यानी B2C, तो बारकोड में लगा करके ये इधर से F7 क्लिक करने से भी आपको बारकोड में जाके कर्सर बढ़ जाती है। मैंने कोई भी मतलब इसको स्कैन कर रहा हूँ, अब देखिए ये देखिए दोस्तों, तो पहले सबसे पहले मैंने यस्टरडे परचेज किया तो उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं डाला था, इसलिए करके यहाँ कुछ नहीं आया।
तो दो और परचेज किया हमने, एक 14 तारीख का एक एक्सपायरी वाला है और एक 30 तारीख का वाला है, हमने जो पहले जो किया था। ये देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सी सेल करने आपने सेलेक्ट कर सकता है दोस्तों। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप देखिए दोस्तों, इसका एमआरपी, सेल प्राइस, होलसेल परचेस रेट, सब कुछ आपको यहाँ ही दिखाई देंगे, आपको उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। और इसमें आपको ऐड टू कार्ट कर सकता है, F12 क्लिक कर सकता है और सेव एंड ब्रांड कर सकता है। प्रीव्यू भी आ जाती है आपको, देखिएगा एंटर मारिए, ये देखिए है ना, इस तरीके से आपको प्रीव्यू भी आ जाएगा डो सबून का, यू सेव्ड अमाउंट कितना भी वो भी आ जाती है, आपको प्रिंट करने से F6 दबाने से प्रिंट भी आ जाती है, ये देखिए बिल प्रिंट आउट हो जाती है ना इस तरीके से। इन केस आपको ये जो एक्सपायरी डेट्स यहाँ पे भी डालना है, यानी दैट ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि कस्टमाइजेशन इज ऑलवेज पॉसिबल इन बिल, बार कोड वगैरह में जो भी चेंजेस करना पॉसिबल इन राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। अभी आपको समझ में आ गया होगा यानी किस तरीके से ये जो बार कोडिंग का एक्सपायरी डेट काम करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस के लिए बहुत मदद करेंगे दोस्तों, बहुत हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।